हाय एवरीवन, दिस इज सीए नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग आप लोगों की हैशटैग आज सीए नेहा के थ्रू पूछी हुई सारी क्वेरीज को वीडियो के थ्रू पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे हैशटैग आज सीए नेहा लिख के पूछ सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो मैं क्वेरी ले रही हूँ वो है बाय मिस कविंद्रा कुमारी। कविंद्रा कुमारी हमसे पूछ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, वो हमसे पूछ रही है कि जब वो आईटीआर फाइल कर रही थी उस टाइम पर उनका टैक्स बना, उन्होंने टैक्स वहीं पे ई पे टैक्स के थ्रू पे कर दिया, बट उसके बाद जब उन्होंने आईटीआर फाइल करी, उस पर सबमिट पे क्लिक करा, तो आईटीआर फाइल नहीं हुई ड्यू टू टेक्निकल एरर। तो ऐसे केस में आप जब वो दोबारा आईटीआर फाइल करेंगी तो क्या उन्हें दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कविंद्रा। दो तरीके से मैं इस क्वेरी का आंसर दे देती हूँ। पहला तरीका, जब भी आप आईटीआर फाइल करें, मैं 26 एएस जरूर देख लें। 26 एएस में आप देखेंगे कि आपके सारे टैक्सेस अगर पे हो चुके हैं तो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं अगर आपने फ्रेश टैक्स पे करा था तो उसके चलान की डिटेल्स भी आपको 26 एएस में मिल जाएगी। बट ध्यान रखिए, आपको एक दो दिन का वेट करना होगा टैक्स देने के बाद, तभी 26 एएस अपडेट होगा, वहां से आप डिटेल ले पाएंगे। सेकेंडली, जब भी आप आईटीआर फाइल करें, ध्यान रखिए कि चलान को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लें। अगर आपसे चलान डाउनलोड होना रह गया था या किसी टेक्निकल एरर की वजह से चलान डाउनलोड नहीं हो पाया था, तो आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाके, रिस्पेक्टिव बैंक से मतलब जिसके थ्रू आपने टैक्स पे किया था, वहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करें और वहीं से आप अपने चलान को डाउनलोड कर सकते हैं। वेरियस बैंक का वेरियस प्रोसेस है उसे डाउनलोड करने का। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कस्टमर केयर पे भी पूछ सकते हैं कि उस चलान को कैसे डाउनलोड किया जाएगा। आई होप कविंद्रा कुमारी के थ्रू बहुत लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे हैशटैग आसीएनए के थ्रू पूछ सकते हैं। हम लोग 31 जुलाई तक इस हैशटैग को यूज़ करके वीडियोज़ बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।